हाँ तो सर क्या कहेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर प्रांत अधिकारी को ज्ञापन दिया गया सर, उसका कारण क्या था? देखिए आज हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी की तरफ से, साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पाटोले जी की तरफ से हमें निर्देश दिया गया था कि कोविड के मैनेजमेंट में, कोविड 19 के मैनेजमेंट में केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। और आज जिस तरह से दूसरी लहर में लोगों की डेथ हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये आंकड़ा जितना बढ़ रहा है, इसके लिए पूरी के पूरी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आप देखेंगे कि बंगाल का जो इलेक्शन हुआ, दूसरी लहर शुरू हो चुकी थी, उसके बाद भी केंद्र सरकार जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारे होम मिनिस्टर जो है, बड़ी बड़ी रैलियां करते रहे। यूपी का इलेक्शन हुआ, आपने यूपी में देखा होगा कि हर नदी के साहिल के ऊपर जो है लाशें तैर रही हैं। तो ये जो है, ये केंद्र सरकार का कोविड 19 के मैनेजमेंट में क्लियर मिसमैनेजमेंट है और इसके वो मुजरिम है। साथ ही वैक्सीनेशन जब केंद्र सरकार ने सब ऐलान कर दिया था, दूसरी सरकारें जो है, बहुत से देश वैक्सीनेशन की तैयारी में लग गए थे, लेकिन हमारी सरकार जो है इसमें कोताही की, बहुत इन्होंने इसमें जो है जो गलतियां की हैं, सही वक्त पे ऑर्डर नहीं किया इंपोर्ट करने का वैक्सीन, और जिसकी वजह से जो है आज सभी लोगों को हमारे वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। टोटल आज इतने मेरे ख्याल में 3-4 महीने से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, अब तक जो है सिर्फ 21 करोड़ लोगों को सिंगल डोज मिला है, जिसमें दोनों डोज सिर्फ 4.5 करोड़ लोगों को मिला है। तो ये जो है बहुत कम है, 140 करोड़ की आबादी है। दूसरे जो क्रिमिनल केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भूल यह है, वो देश को तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने राज्य सरकारों को कहा है कि वैक्सीन का इंतज़ाम आप कर लो, जबकि वैक्सीन को मंजूरी देना, वैक्सीन इंपोर्ट करना, ये केंद्र सरकार का काम है, और केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह से फेल हो चुकी है। साथ ही मल्टीपल प्राइसिंग सिस्टम इन्होंने जो रखा है, जैसे कोविशील्ड है, कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत से केंद्र सरकार 150 रुपया लेती है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट अगर देती है तो उनको 300 रुपये वही सरकार दे रही है, और प्राइवेट हॉस्पिटल को 600 रुपये में लोग बेच रहे हैं। इसी तरह कोवैक्सीन जो है 150 रुपये में केंद्र सरकार मरकजी हुकूमत दे रही है, और आपको स्टेट गवर्नमेंट को वही कोवैक्सीन जो है 600 रुपये में देकर प्राइवेट हॉस्पिटल को 1200-1500 रुपया ये लोग ले रहे हैं। इस तरह से ये मल्टीपल प्राइसिंग सिस्टम जो इन्होंने रखा है, इसकी वजह से ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने का एक मौका दे रहे हैं, और दोनों में जो है फ़र्क कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में, परसों जो है ये मामला हियरिंग पे था, और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराज़गी, जो मल्टीपल प्राइसिंग सिस्टम है, कहीं आप 150 में दे रहे हो, कहीं आप 300 में या 600 में दे रहे हो, कहीं आप 1200-1500 में दे रहे हो, इसके खिलाफ केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराज़गी जाहिर की थी। उन्होंने 2 हफ्ते में इनसे जवाब मांगा है, और 18 से 44 का जो ग्रुप है, केंद्र सरकार ने कहा कि ये राज्य सरकारें अपने तौर पर दें।